हाँ, तो आज का टॉपिक है कैले हैमिल्टन थ्योरम। तो इस टॉपिक में आपने देखिए, पहले आपने पढ़ा था कि एक मैट्रिक्स है उसके लिए करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हमें मिलता है। करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हमें मिलता है, तो अब वो जो करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होता है वो किस तरह मिलता है। यदि ए मेरे पास एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स है, तो मेरे पास एन डिग्री का एक पॉलिनोमियल मिल रहा था जिसे हम करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कह रहे थे। क्या कह रहे थे? करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जिसे हम एन डिग्री का मिल रहा था। आपको याद होगा, टू डिग्री के लिए करैक्टरिस्टिक डायरेक्ट लिखने के लिए हम इसका यूज कर रहे थे। और यदि पॉलिनोमियल की बात करें तो पॉलिनोमियल ये होता था, और जब हम इसमें ए पुट कर दे रहे थे तो ये इस टाइप से करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो रहा था, और ए इसे सेटिस्फाई भी करता था। थ्री डिग्री में भी कुछ हम निकाल रहे थे, तो यानी जो करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वो पॉलिनोमियल वो हमें एन डिग्री के जो मैट्रिक्स है उसके लिए एन डिग्री का एक पॉलिनोमियल मिलता है। और उस पॉलिनोमियल को, जो मैट्रिक्स ए है जो एन डिग्री का पॉलिनोमियल है, उसे मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई भी करता है। उसे तो ये जो करेक्टर्स, ये कैले हैमिल्टन थ्योरम है, ये यही बताती है हमें कि एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जो करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वो उसका ए मैट्रिक्स है वो उसे सेटिस्फाई करता है, या ए इज रूट ऑफ इट्स करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, अपने करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का रूट होता है या जीरो होता है ना। तो ये करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में बताता है। तो आप पहले स्टेटमेंट लिखिए इसके कैले हैमिल्टन थ्योरम की, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हम स्क्वायर में ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम आइगन वैल्यूज स्क्वायर मैट्रिक्स के निकाल रहे हैं, तो वहीं से देख रहे हैं। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए जीरो या फिर रूट ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक। करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को उस वो मैट्रिक्स खुद हमेशा सेटिस्फाई करता है, यानी उसका ये जीरो बनाता है, या कह सकते हैं एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, या हम इस स्टेटमेंट को इस तरह लिख सकते हैं, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाइज इट्स करैक्टरिस्टिक। सैटिस्फाई करता है या फिर उसका रूट होता है। एक्चुअल स्टेटमेंट तो ऊपर वाला ही है, बाकी उसका हमने मीनिंग दोनों का सेम ही है। तो अपने करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को कोई भी मैट्रिक्स है वो सैटिस्फाई करता है। तो ये करैक्टरिस्टिक जो कैले हैमिल्टन थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट हो गई, कोई मैट्रिक्स है वो अपने हमेशा करैक्टरिस्टिक को सैटिस्फाई करता है, या फिर कोई भी जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स रूट होता है अपने करैक्टरिस्टिक का। इसे हम अभी तक मैंने सिर्फ आपको बताया था जो 2x2 या 3x3 में सेटिस्फाई, या फिर मतलब प्रूफ नहीं देखा था, हमने देखा नहीं था कि वो सच में सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। आज देखते हैं, जब हमने स्टेटमेंट ही पढ़ लिया, तो एग्जाम्पल मेरे पास ए मैट्रिक्स है, 2x2 का ही देखते हैं। ए मैट्रिक्स है 5 4 1 2 5 4 1 2, 2x2 के मैट्रिक्स है। हम
वैसे इसका जानते ही है करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होता क्या है, एक्स स्क्वायर लैम्बडा लिखते हैं लैम्बडा की फॉर्म में, तो लैम्बडा क्या होती है आइगन वैल्यू, से एक्स की फॉर्म में लिख दो, या इसका ट्रेस 7x प्लस 10 माइनस 4 6 बराबर 0, ये इसका करेक्टरिस्टिक हो गया इस मैट्रिक्स का। अब इसे यदि सेटिस्फाई करेगा ए, तो होना क्या चाहिए, क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस 7a प्लस 6i बराबर 0 होना चाहिए। ये हम चेक करते हैं, ए हमारे पास है, आई हमें पता है, ए स्क्वायर चाहिएगा, तो हम ए स्क्वायर निकालते हैं, 5 4 1 2 5 4 1 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करो, 5 5 24 28 5 2 7 and this is 4 and 4 8 आई थिंक कैलकुलेशन सही होगी, आप चेक कर लीजिए। तो ए स्क्वायर मेरे पास ये आ गया, अब हम इसमें पुट करके देखते हैं, ए स्क्वायर 29 28 7 8 minus 7 a 5 4 1 2 plus 6 i 1 0 0 1 29 28 7 8 minus 7 अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 35 29 minus 35 plus 6 28 minus 28 plus 0 7 minus 7 plus 0 8 minus 14 plus 6 that's all about 0, यानी कि ये 0 है 2x2 का मैट्रिक्स, यानी कि ये प्रूफ हो गया, ये हमने एक एग्जांपल स्टेटमेंट कह रही है तो सही है ना, ये हमने वेरीफाई भी करके देख लिया एक मैट्रिक्स लेके कि कोई भी मैट्रिक्स है वो अपने करेक्टरिस्टिक को हमेशा सेटिस्फाई करती है। ठीक है, यहां तक नोट डाउन कीजिए। अब आप एक चीज देखिए, ये तो हमने सिर्फ ऐसे देखा, अब इसका यूज हम कहाँ पे करेंगे, कुछ क्वेश्चंस में किस तरह करते हैं ये देखना है। अब ये मैट्रिक्स तो क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, आपको दिख रही है साफ साफ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। अब ये मेरे पास आ गया कि ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो भाई ये है, तो हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर को इन्हें राइट साइड ले आएंगे, 7a minus 6i। ठीक है, अब मैं ए क्यूब निकालना चाहती हूँ, ए की कोई भी पावर निकालना चाहती हूँ, सबसे पहले ए क्यूब पे बात करी, ए क्यूब तो ए से मल्टीप्लाई किया है ए स्क्वायर को, तो यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस 6a, अब 7a स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू ये है, ये पुट कर दो, 7a minus 6i माइनस 6 ऑफ a, 49a माइनस का 6a 43a 43a माइनस 42i, यानी a क्यूब को भी अब मैं a और i के कॉम्बिनेशन में लिख दिया, इनके टर्म्स में लिख दिया। इसी तरह जब हम a4 पे बात करेंगे तो क्या करेंगे, अब ये a क्यूब के बराबर है, इसे फिर से हम a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम यहाँ पे a से मल्टीप्लाई a4, ये a स्क्वायर, और एंड अगेन हम a स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट करेंगे एंड a4 निकालेंगे, इस तरह हम किसी भी a की n पावर तक निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तो इसका करेक्टरिस्टिक से हमें a इसका रूट है, तो इससे फायदा मिला कि हम a की कोई भी पावर डायरेक्ट निकाल सकते हैं, हमें मल्टीप्लाई करके देखना जरूरी नहीं है, यदि a की पावर 100 बोला हो तो मेरे पास करेक्टरिस्टिक है और उससे निकालो बार बार मल्टीप्लाई, बस a स्क्वायर ही चाहिए, a स्क्वायर भी नहीं चाहिए क्योंकि जब हम टर्म्स में निकालेंगे a स्क्वायर भी हट जाएगा, a और i ही चाहिए, बस हमें कैलकुलेशन करनी है थोड़ी सी, बाकी मल्टीप्लीकेशन से तो बहुत कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस एक तो मतलब इसका फायदा ये हो गया हमारे पास,
दूसरा इसका एक फायदा ये है, आप देखिए जैसे ये ही है, मैं 6i को एक तरफ रखती हूँ और दूसरे को 7a-a² कर दिया। अब मुझे यदि ये इन्वर्टेबल है तो मुझे इसका इन्वर्स निकालना है। मैं a इन्वर्स से मल्टीप्लाई करती हूँ 6 a इन्वर्स, इधर a इन्वर्स से किया 7a इन्वर्स a माइनस a इन्वर्स a स्क्वायर 6 a इन्वर्स बराबर 7। a इन्वर्स और a का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आइडेंटिटी मिलेगा, एंड यहाँ पे a इन्वर्स और एक a आइडेंटिटी एंड एक इज a बन जाएगा और आइडेंटिटी इनटू a बन जाएगा। तो a इन्वर्स को हम लिख देंगे 1/6 7i-a। अब a इन्वर्स हो गया 1/6 7i-a। तो इस तरह से हम इसका इन्वर्स भी निकाल सकते हैं, इस तरह से निकाल सकते हैं, इस तरह जैसे मैंने ये थर्ड पावर निकाली a पे पावर n भी निकाल सकते हैं, इसका इन्वर्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो एक इसका यूज आ गया। ठीक है, तो कैले हैमिल्टन थ्योरम का मेन यूज, मतलब कैले हैमिल्टन थ्योरम है वो कहती तो ये है कि कोई भी एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो रूट या जीरो होता है अपने करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का, और हम उसका यूज करके करेक्टरिस्टिक को जब ये सेटिस्फाई करता है तो वहां पे ए की किसी भी पावर को फाइंड कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स भी फाइंड कर सकते हैं। एक एग्जांपल करते हैं, स्टैंडर्ड तो नहीं बोल सकते बट उससे कुछ तो सीखने को मिलेगा, और उस एग्जांपल एक एग्जांपल के थ्रू ये तो हमने समझ ही लिया है, और हम एक चीज एक एग्जांपल है वो आया हुआ है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, नेट या जैम में से किसी में आया हुआ है, वो एग्जांपल करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है ए मेरे पास 2x2 का मैट्रिक्स है, क्वेश्चन कह रहा है ए है वो 2x2 का मैट्रिक्स है, एंड लैम्बडा एंड म्यू क्या है इसकी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है, ए की दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है ए लैम्बडा एंड म्यू, तो हमें बताना है देन मस्ट बी ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट है जो मस्ट ट्रू है। नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है ए स्क्वायर हैज डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, एज लैम्बडा स्क्वायर एंड म्यू स्क्वायर। ठीक है, दूसरा कह रहा है, सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रेस ऑफ ए पे पावर एन बराबर लैम्बडा रेज टू पावर एन प्लस म्यू रेज टू पावर एन। थर्ड स्टेट फॉर ऑल एन के लिए है ना, एन बिलोंग्स टू एन किसी भी पावर के लिए, एंड थर्ड स्टेटमेंट इज ए क्यूब बराबर लैम्बडा क्यूब माइनस म्यू क्यूब, ए क्यूब बराबर लैम्बडा क्यूब माइनस म्यू क्यूब अपॉन लैम्बडा माइनस म्यू ए, लैम्बडा माइनस म्यू ए माइनस लैम्बडा लैम्बडा म्यू लैम्बडा प्लस म्यू इंटू आई। ए क्यूब को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और फोर्थ कह रहा है कि फोर्थ ऑप्शन कह रहा है ए पे पावर एन इज नॉट इज
नॉट स्केलर मल्टीपल ऑफ, इज नॉट स्केलर मल्टीपल ऑफ, इस ए बी पावर एन इज नॉट स्केलर मल्टीपल ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फॉर एनी एन, यानी किसी भी एन बिलोंग्स टू एन के लिए ए पे पावर एन को आइडेंटिटी के स्केलर मल्टीपल में नहीं लिख सकते। तो ठीक है, चार ऑप्शन देते, मुझे ऐसा लगता है दो तीन तो आप खुद ही कर दोगे। लैम्डा एंड म्यू डिस्टिंक्ट है, तो क्या कंपलसरी हो गया कि ए स्क्वायर भी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू रखता है, लैम्डा स्क्वायर एंड म्यू स्क्वायर। अब बहुत से स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे, हाँ भाई हमने पढ़ा है, इसमें पुट्टी तो करना होता है, लैम्डा स्क्वायर म्यू स्क्वायर, लैम्डा म्यू अलग अलग है, तो लैम्डा स्क्वायर एंड म्यू स्क्वायर भी अलग अलग हो सकते हैं, और ये स्टेटमेंट कोई करेक्ट कर देगा, पर ये करेक्ट नहीं है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। कैसे, लैम्डा बराबर यदि वन है और म्यू बराबर माइनस वन है, तो देखिए दोनों डिस्टिंक्ट है, लेकिन जब हम लैम्डा स्क्वायर एंड म्यू स्क्वायर करेंगे दोनों ही वन के बराबर आ जाएंगे, तो इस कंडीशन में ये फेल हो रही है कि ये डिस्टिंक्ट नहीं है, और इसने पूछा है मस्ट मस्ट बी ट्रू। तो हमारे पास ए कोई गिवन तो है नहीं, हम जो लैम्डा एंड म्यू आर्बिट्रेरी है, तो ये स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है ट्रेस ए पे पावर एन, ए पे पावर एन की आइगन वैल्यूज क्या होगी, लैम्डा पे पावर एन प्लस म्यू पे पावर एन, लैम्डा पे पावर एन एंड म्यू पे पावर एन, और ट्रेस क्या करते हैं, सम ऑफ आइगन वैल्यूज, और ट्रेस तो आई थिंक ये सभी का सही हो गया। थर्ड स्टेटमेंट हम देखते हैं, पहले फोर्थ देखते हैं कि ए पे पावर एन को स्केलर मल्टीपल में लिखा जा सकता है नहीं, इसके लिए आपको कोई एग्जाम्पल कॉन्ट्राडिक्ट एग्जाम्पल लाना पड़ेगा कि हम लिख पाए, तो ये गलत हो जाएगा। जैसे मैंने ए लिया 2 0 0 -2, ठीक है, लैम्डा एंड म्यू उसकी दो आइगन वैल्यू है 2 एंड -2, और वो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है। अब मैं ए स्क्वायर करती हूँ, फोर जीरो जीरो फोर, डेट इज 4i, यानी मैंने एक ऐसा मुझे एक ऐसा मैट्रिक्स ए मिल गया जिसकी एन की वैल्यू यदि 2 है, ए स्क्वायर को मैं 4 इंटू आइडेंटिटी, यानी आइडेंटिटी के स्केलर मल्टीपल में लिख पा रही हूँ, और ये स्टेटमेंट कह रहा है नॉट, कोई भी ऐसा मैट्रिक्स नहीं मिलेगा, तो ये बात इसकी गलत हो गई, ये बात क्या हो गई, इसकी गलत हो गई। अब हम ए क्यूब पे वो इस वाले थर्ड स्टेटमेंट जिसमें ए क्यूब के बारे में चर्चा की है, इस पे बात करेंगे। अभी हमने सीखा था करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखना, 2×2 का करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हम कैसे लिखते थे कि ए स्क्वायर, करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल तो बेसिकली इस तरह लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस हो गया सम ऑफ आइगन वैल्यूज प्लस डिटर्मिनेंट यानी प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज बराबर 0। अब यदि इसमें ए पुट करें तो हमारे पास आ गया ए स्क्वायर माइनस लैम्ब्रा प्लस म्यू ए प्लस लैम्ब्रा म्यू आई बराबर 0। हमें चाहिए ए क्यूब में, अब हम ए स्क्वायर को एक तरफ करते हैं, इसे लिखते हैं लैम्ब्रा प्लस म्यू ए माइनस लैम्ब्रा म्यू आई, एंड ए क्यूब के लिए ए से मल्टीप्लाई किया लैम्ब्रा प्लस म्यू ए स्क्वायर माइनस लैम्ब्रा म्यू ए, डेट इज लैम्ब्रा प्लस म्यू, एंड ए स्क्वायर की वैल्यू इज, ये पुट करेंगे जिस तरह हमने पिछले एक एग्जांपल में देख लिया, लैम्ब्रा म्यू आई माइनस लैम्ब्रा म्यू ए। तो अब हमने क्या किया, लैम्ब्रा प्लस म्यू, लैम्ब्रा प्लस म्यू,
और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, लैम्ब्डा प्लस म्यू का स्क्वायर ए माइनस लैम्ब्डा म्यू इंटू लैम्ब्डा प्लस म्यू आई माइनस लैम्ब्डा म्यू ए। अब ए वाले टर्म्स को कंबाइंड कर लेते हैं, किस तरह कंबाइंड की, लैम्ब्डा इसको खोलते हैं, लैम्ब्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस टू लैम्ब्डा म्यू और माइनस का वन लैम्ब्डा म्यू इज लैम्ब्डा म्यू डेट ए माइनस लैम्ब्डा प्लस म्यू आई। और इसे हम लिख सकते हैं पॉलिनोमियल से इस टाइप से, और ये किसके बराबर चल रहा है, ए क्यूब के चल रहा है ना, ए क्यूब के बराबर। तो ये जो स्टेटमेंट हो गई थर्ड वो आ गई सेम, तो थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट, यानी कि सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन आर करेक्ट एंड फर्स्ट एंड फोर्थ आर इनकरेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट को बहुत से बच्चे सही कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, पर ध्यान रहे करेक्ट नहीं है वो। यदि लैम्ब्डा म्यू ऐसे ले कि दोनों की वैल्यूज सेम है एंड साइन अपोजिट है तो भी तो वो डिस्टिंक्ट होती है और उनका स्क्वायर करने पर वो डिस्टिंक्ट नहीं बनती है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखें, इसके लिए आपको हमेशा वही एक एग्जांपल, इस तरह के स्टेटमेंट होते हैं एग्जांपल से होते हैं, या तो ये ट्रू ही होंगे या फिर आपको एक एग्जांपल मिल जाएगा। तो ऐसे कोशिश करते रहिए एग्जांपल्स में कि हम क्वेश्चंस में किसी भी स्टेटमेंट के लिए एग्जांपल हम तैयार रखें, है ना। वहां भी यदि हमारे पास लैम्ब्डा, यदि दो अपोजिट वाली यदि हम ध्यान नहीं देते कि है आइगन वैल्यूज ऐसी मिल सकती हैं, यदि हमें बोल देता पॉजिटिव आइगन वैल्यूज है तो करेक्ट हो जाता है स्टेटमेंट, है ना। तो हमेशा एग्जांपल हमारे पास दिमाग में अप टू डेट होने चाहिए, ये सब प्रैक्टिस से होगा। और ये करते रहिए, आज हमने पढ़ लिया कैले हैमिल्टन थ्योरम और ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसका यूज आपने देख ही लिया किस तरह है कि किसी भी पावर पे पावर निकालने के लिए और साथ के साथ इनवर्स निकालने के लिए भी किया जाता है। तो इसके आगे हम डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स के बारे में आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके, थैंक यू।